बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, चीनी समान का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, चीनी समान का बहिष्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। युवा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया चीन देश का विरोध। जौनपुर, बदलापुर, पूर्वी लद्दाख के गलवान क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सेना पर किए गए हमले से आक्रोशित हिंदू युवा वाहिनी बदलापुर के कार्यकर्ताओं ने बदलापुर इंदिरा चौक पर चीन के ध्वज व राष्ट्रपति शी जिनपिंग का प्रतीकात्मक चित्र जलाया। उक्त अवसर पर जिला मंत्री कुलदीप सिंह लखी ने कहा कि चीन भारत के खिलाफ सदैव षड्यंत्र रचता रहता है, जबकि उसका पूरा व्यापार भारत पर ही निर्भर है। हमारे लगभग 20 जवानों का बलिदान चीन को बहुत महंगा साबित होगा। भारतीय सेना पर पूरे देश को गर्व है। हम सबको भारतीय सेना पर पूर्ण विश्वास है कि चीन को ईंट का जवाब पत्थर से मिला है और आगे भी मिलेगा। ये नए युग का भारत है जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर उसे कोई छेड़े तो उसे छोड़ता भी नहीं है। ब्लॉक कोसा अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने कहा कि शहीद हुए सभी जवानों को हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि भारत के अंदर चीनी सामानों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए व चीन को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दे। ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र सेठ ने कहा कि सभी देशवासी चीनी सामानों का बहिष्कार करें। उक्त अवसर पर शिवम अस्थाना, निखिल शुक्ला, विनोद मोदनवाल, अंकित बरनवाल, आदित्य विक्रम सिंह, अखंड प्रताप सिंह, नगर अध्यक्ष चंदन निगम, कुलदीप गुप्ता, विकास गुप्ता, संजय उपाध्याय, विनय तिवारी उपस्थित रहे। खबर जगत के लिए बदलापुर जौनपुर से चंदन निगम की रिपोर्ट।